दोस्तों आजकल बॉलीवुड मूवीज में कॉमेडी मिलना ऐसा हो गया जैसे कि स्टार किड्स में एक्टिंग मिलती नहीं है। तो आज मैंने मूवी देखी लूट केस, एंड लूट केस उन मूवी की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार हमारे बॉलीवुड में कॉमेडी मूवीज के नाम पे सब कुछ दिखाया जाता है। यानी कि यहाँ पे कुछ एडल्ट सीन्स डाल देंगे, कुछ डबल मीनिंग वाले जोक्स क्रैक करते हैं, जबरदस्ती का कॉमेडी वाला साउंड ट्रैक चला देंगे। तो यार ऐसी मूवीज हम बहुत ज्यादा देख चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं, पर लूट केस जैसी मूवी बॉलीवुड में बहुत ही कम आती है, जब भी आती है चुपचाप देख लेना चाहिए। तो आज इस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देख लेना। ओके, सबसे पहले मूवी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। जैसे डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर रिलीज किया गया है, इसके लीड एक्टर को देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब यार बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं ये। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे रसिका दोगल, एंड बहुत ज्यादा लंबी कास्ट है, विजयराज गजराज, सभी के सभी इसमें टैलेंटेड एक्टर आपको देखने को मिलेंगे। एंड मूवी की लेंथ है 2 घंटे 10 मिनट, थोड़ी ज्यादा लंबी है पर यार बिल्कुल भी बोर नहीं करती है। एंड अगर बिना स्पॉइलर दिए मूवी की स्टोरी के बारे में आपसे बात करूं, तो थोड़ा सा आपको लेना है फिर हेरा फेरी का प्लॉट, थोड़ा सा आपको लेना है कॉमेडी धमाल की, बस इन दोनों को मिक्स कर दो, बन जाएगी लूट केस। इस मूवी की स्टोरी बेसिकली सूटकेस के ऊपर लिखी है, जिसमें कि 10 करोड़ रुपए होते हैं, और वो एक दिन अचानक से एक आम आदमी को मिल जाते हैं जिसके घर में पैसे की तंगी चल रही होती है, यानी कि कुणाल खेमू को। तो वो सीधे से सूटकेस को लेके अपने घर चले जाते हैं। फिर उस सूटकेस के पीछे दो लोग पड़ते हैं, एक होता है गुंडा अपना विजयराज और एक होता है मिनिस्टर अपना पाटिल, या फिर कह सकते हो गजराज। तो ये दोनों सूटकेस के पीछे पड़ते हैं, क्या वो सूटकेस को ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं, क्या क्या भसड़ मचती है इस मूवी में, तो आपको ये देखना रहेगा। एंड देखो मूवी की स्टोरी बहुत सिंपल है, मैं भी कह रहा हूँ बहुत सिंपल है, ऐसी स्टोरी पहले भी देख चुके फिर हेरा फेरी में धमाल में, पर यार जिस तरीके से बनाया गया है, जो इसकी मेकिंग है, प्रेजेंटेशन है, तो वो काफी ज्यादा यूनिक है। एंड इस मूवी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मूवी आपको देखनी भी चाहिए या फिर नहीं। अगर बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो यही आता है कि जो इसमें कास्ट ली गई है सारे टैलेंटेड लोग हैं, एक से एक, मतलब यार बढ़कर इसमें आपको एक्टर देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू, जो कि हिडन जेम है अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करते हैं, हालांकि उनको चांसेस कम मिलते हैं। उनकी जो मूवी आई थी हाल ही में मलंग, तो उनने भी उसमें बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की थी। एंड उसके बाद आती है रसिका दोगल, जिनकी एक्टिंग भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि अपने मिर्जापुर में भी काम कर चुकी है। एंड उसके बाद आते हैं विजयराज गजराज, तो इन सभी की एक्टिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, एंड मूवी को रियलिस्टिक बनाती है इनकी एक्टिंग। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है मूवी के डायलॉग, जो डायलॉग डिलीवरी है, जो कैरेक्टर्स की टाइमिंग है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी, यानी कि डायरेक्टर ने हर चीज को नाप तोल के बनाया है, इतना बनाया कि हम बोर भी ना हो और हमको एंटरटेनिंग भी होते रहे, हमको मजा आता रहे। तो यार जिस तरीके से वो बनाया, तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको मेकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड इसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारे हैं। एंड अगर बात करें नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो वो मुझे एक ही लगा, और वो इसे फक द पवित्र पार्टी का घटिया सा गाना है। मतलब वो गाने को देख के मेरा रिएक्शन था यार, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, ओ भाई मारो मुझे मारो। कौन है ऐसा घटिया राइटर, क्या गाना लिखा है, कितने घटिया लिरिक्स हैं। इस गाने को देख के हमारी आने वाली जनरेशन क्या सोचेगी, क्या बना रखा है। मतलब यार इस गाने का अगर 2.2 बनेगा, तो बनेगा पवित्र पार्टी एस फक। हमारे यहाँ के लोग भी बहुत कम नहीं है, ये इतने टैलेंटेड है कि एक ऐसे घटिया गाने में भी नाच जाते हैं। ये लोग एक ट्यून को ना छोड़े, इंस्टाग्राम रील पे टिकटॉक पे देखते होंगे, एक ट्यून को भी नहीं छोड़ते, वहां पे ठुमके लगा देते हैं। तो ये तो फिर भी लिरिक्स वाला गाना है। तो कुल मिलाकर पवित्र पार्टी वाला गाना बहुत ही घटिया था, जबरदस्ती घुसड़ा गया था मूवी, मूवी को पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत रखता है ये गाना। तो यार जो भी है इसको छोड़ो, साइड रखो, बहुत ही घटिया गाना था। एंड अगर बात करें तो यही नेगेटिव पॉइंट है, एंड इसकी एंडिंग आपको थोड़ी सी बेकार लग सकती है, मतलब किसी किसी को अच्छी लगी, किसी किसी को बेकार लगी। तो मेरे हिसाब से एंडिंग एवरेज थी, इतना ज्यादा मजा नहीं आया, पर जो मूवी बनाई है, जिस हिसाब से इसकी प्रेजेंटेशन है, जो मेकिंग है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है मूवी पे। तो ये था मेरा एक ओवरऑल रिव्यू इस मूवी के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस मूवी को देखने का बहुत ज्यादा अच्छा रहा। आप चाहे तो उसको फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी आपको डबल मीनिंग या फिर कोई भी आपको घटिया न्यूडिटी वाले सीन्स इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। एंड आशा करता हूं आज का रिव्यू आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, डिसलाइक भी कर सकते हो, एंड कमेंट जरूर करना अगर आपने मूवी देखी है तो या फिर देखने वाले हो तो। एंड ऐसे ही शॉर्ट आउट पॉइंट टू पॉइंट रिव्यू, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, 1K जल्दी से हिट कर रहे हैं आप लोगों को, प्लीज प्लीज प्लीज। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।